नमस्ते सभी को जी। हिंदी में हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। यह स्लाइड लगा दीजिएगा। तो अभ्यास एक के समापन की ओर हम लोग हैं। कल हम लोग अभ्यास दो शुरू करेंगे। अभ्यास एक में इस बात पे हम लोग बारंबार ध्यान देने का प्रयास करते रहे कि मुझे अपने भाव के प्रति सजगता बनी रहे। एक बार भाव के प्रति सजगता बन पाए तब जाकर हम अपना भाव का मूल्यांकन भी कर पाते हैं, उसमें परिमार्जन भी कर पाते हैं। तो जो मेजर टेक अवे मैं कहूँगा वो ये है अभ्यास एक का कि हमारे अंदर भाव की सजगता बनी रहे। अभ्यास एक तो हम लोगों ने करीब एक महीने का समय लगा के इसको पूरा कर लिया, परंतु ये सजगता हमारे अंदर बनी रहे। जी भैया अगली स्लाइड लगा दीजिएगा। तो इसके स्टेप वन पे हमने अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, बिना उसे मूल्यांकन किए, बिना बदले, बिना प्रतिक्रिया किए। स्टेप टू पे हमने मूल्यांकन करते हुए ये देखा कि ये भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री पे हमने ये देखने का प्रयास किया कि मेरी स्थिति सुखद है कि नहीं इस भाव के साथ। स्टेप फोर पे हमने इस बात को अपने आप पे जांचा कि निर्णय कौन ले रहा है भाव का। तो ध्यान देने से पता चलता है कि मेरे भाव का निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, ना कि कोई बाहर की परिस्थिति, ना कोई अन्य व्यक्ति। इससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। एक तो ये कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मैं इस बात को अपने आप में देख पाता हूँ, और दूसरा मैं शिकायत मुक्त हो पाता हूँ दूसरों के प्रति। स्टेप फाइव में देखा कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है, समझ है या मान्यता है। दिखता है कि जब समझ के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो सही सहज भाव का निर्णय करके आराम में रहते हैं, परंतु जब मान्यता आधार में होती है तो मेरे सुख की कोई निश्चितता नहीं होती, निरंतरता नहीं होती, ये भी निश्चित नहीं होता कि आराम में रहेंगे या परेशान रहेंगे। तो अपने में भाव सुनिश्चित करना है, समझ सुनिश्चित करना है, इस बात का हम निर्णय कर पाते हैं। फिर स्टेप सिक्स में हमने ये देखना शुरू किया कि अल्टीमेटली क्या समझना है, किसको कहें कि समझ की वस्तु है। तो अपनी सहस्वीकृति को देखा कि हमारी सहस्वीकृति किस बात के लिए है, संबंध के लिए या विरोध के लिए, व्यवस्था के लिए या अव्यवस्था के लिए, सहस्वीकृति के लिए या संघर्ष के लिए। तो देखता है सहस्वीकृति तो संबंध के लिए है, व्यवस्था के लिए है, सहस्वीकृति के लिए है। तो इस बात का निर्णय कर पाते हैं कि संबंध का चिंतन करना है, व्यवस्था के बोध को सुनिश्चित करना है, सहस्वीकृति का अनुभव करना है। ये हमारी धीरे धीरे प्रायोरिटी बन पाती है, और मुख्य मुद्दा तो जीने में इस प्रायोरिटी का ही बनना है। जब हम लोग कह रहे हैं कि समझ पहली वरीयता है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक प्रायोरिटी बन जाए कि संबंध का चिंतन होना है, व्यवस्था का बोध होना है, सहस्तित्व का अनुभव होना है, यही कुल उपलब्धि है जीने में, बाकी सब कुछ जीन उपलब्धि का प्रमाण है, वो एक्सप्रेशन है उसका। बाकी जो कुछ भी हम करने वाले हैं अपने विचार में, व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में, वो सिर्फ इसका एक्सप्रेशन है। जो उपलब्धि है वो तो यही है। तो इसके लिए हम जितना बारीकी से इस अभ्यास को करते हैं उतना हमारे अंदर निर्णय पुष्ट हो पाता है, क्षण क्षण में वो निर्णय बन पाता है, क्षण क्षण में वो प्रायोरिटी बन पाती है। हमारे पास जो कुछ ही बचा हुआ समय है ना, संसाधन है, उसको हम इस अर्थ में लगाने का प्रयास करते हैं। ये प्रायोरिटी शिफ्ट होना एक मेजर बात है ना, ये प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाए। तो ह्यूमन वैल्यूज के वर्कशॉप्स करते हुए, मीटिंग करते हुए, भागीदारी करते हुए, सुबह का सत्र अटेंड करते हुए, इस वस्तु को दूसरों के सामने रखते हुए अगर देखें तो मुख्य बात इतनी है कि हमारे अंदर एक प्रायोरिटी बन जाए, इस संबंध का चिंतन हो जाए, व्यवस्था का बोध हो जाए, सहस्तित्व का अनुभव हो जाए। एक बार एक प्रायोरिटी बनने लगती है तो मुझ में ही ये काम होना है, ये काम होने भी लगता है। तो ये हम स्टेप सिक्स में निर्णय कर पाते हैं। फिर स्टेप सेवन में हम सुनिश्चित करते हैं कि मेरे अंदर संबंध का भाव हो, व्यवस्था का भाव हो, सहस्तित्व का भाव हो। इसलिए जो होमवर्क करना था स्टेप वन टू सिक्स में किया, और एक क्षण में नहीं हर क्षण में हो। ये अभी तक हम लोगों ने अभ्यास किया है। भैया नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते, आवाज आ रही? हाँ हाँ स्पष्ट आ रही है।
भैया जी, इस समय मेरी बिटिया और हम दोनों जगह में हैं, और जी। कल का सवाल जो था, मानव की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति हुई क्यों, और पहला मानव कैसा रहा होगा, इसकी जरूरत क्या पड़ गई, अगर मानव नहीं होता तो फिर क्या होता। ठीक बात है, बताइए बिटिया का क्या प्रश्न, सुना जाए बिटिया से ही सुना जाए। बिटिया जगो, उठो, मुस्कुरा रही है। चलो अच्छा, अच्छा एक घंटे से जगी हुई है, पापा सवाल का जवाब देंगे अंकल। अच्छा पूछो, बहुत सुंदर, शर्मा रही है। अच्छा कोई बात नहीं, पूछे पूछ लो, निशांत है सर बस। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखिए इसमें एक तो मानव है क्या, इसमें समझना बनता है, मनुष्य क्या होता है, आदमी क्या होता है। देखता है कि जो मनुष्य है वो दो तरह की इकाइयों के साथ जुड़ने से बना हुआ है, एक तो शरीर जो हमको आंखों से भी दिखाई दे रहा है, और एक मैं जिसको हम पहचान पाते हैं, जान पाते हैं। तो मैं और शरीर ये दो वास्तविकताएं हैं, इसको इसके साथ बने रहने से, इसको सहस्तित्व भी कहते हैं, हम मनुष्य के रूप में जी रहे होते हैं। अब इसे शरीर को देखते हैं तो दिखता है कि शरीर तो परिवर्तनशील है, कभी जन्म लिया एक समय एक बाद ये मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, शरीर तो पैदा हुआ मरा ये सब दिखाई देता है। मैं के बारे में थोड़ी स्पष्टता हमारी कम रहती है, तो अगर हमको ये बात समझ में आ जाए कि शरीर और मैं दो अलग अलग तरह की इकाइयां हैं, तो मेरा होना शरीर के होने पर निर्भर नहीं है, तो समझ में आता है कि मनुष्य के बनने में यदि हम मानव मतलब ये मैं और शरीर दोनों को देखें, तो शरीर का पैदा होना और शरीर का मरना तो दिखाई देता है, ठीक, बट मैं तो बना हुआ है, तो मैं पहले से ही बना हुआ है, मैं पहले से बना हुआ है, अस्तित्व भी पहले से बना हुआ है, ये बाकी सारी जो चीजें हैं वो भी पहले से बनी हुई है। तो इस बात को अगर हम पूछेंगे कि कोई भी चीज है तो क्यों है, तो उसमें शरीर क्यों है, मैं क्यों हूं, ये आसपास की चीजें क्यों हैं, तो इसको और अगर पूछेंगे इसका कोई उत्तर मिलेगा, तो अल्टीमेटली प्रश्न यहाँ पहुंचेगा कि जो कुछ भी है वो क्यों है, यानी अस्तित्व ही क्यों है, ठीक है ना, ये धरती क्यों है, सूरज क्यों है, चंद्रमा क्यों है, ग्रह गोल क्यों है, आकाश क्यों है, ना समुद्र क्यों है, तो फिर क्यों का उत्तर यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसके पीछे जाके देखेंगे कि इसके पहले क्या घटना हुई थी जिससे ये बना, या अभी जो है उससे उसकी आगे क्या भागीदारी हो रही है, जैसे मोबाइल क्यों है, तो बात करने के लिए एक तरीका है इसको देखने का, तो मोबाइल से हम बात करते हैं, तो क्यों को हम ये भी देख सकते हैं कि भागीदारी क्या है इस मोबाइल की, तो हमारे आपके बात करने में है, व्यवहार करने में है, सूचना का आदान प्रदान करने में है। दूसरा तरीका ये भी सोचने का कि किसी ने बनाया इसलिए है, तो कोई कंपनी है तो कंपनी बनाती है मोबाइल इसलिए ये बना हुआ है, ये भी इसका एक उत्तर हो सकता है, अगर कंपनी नहीं बनाती तो ये नहीं होता। ठीक, अब जब अस्तित्व की बात करते हैं, जो कुछ भी है तो दिखता है कि उसको कोई बनाया तो है नहीं, ये हमेशा से था है और रहेगा, ये प्रश्न बनता ही नहीं है। फिर जैसा है उसको वैसा देखना स्वीकारना बनता है, अस्तित्व को जैसा है, अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना स्वीकारना बनता है, कोई इसको बनाया तो है नहीं। अब इसके पीछे जाकर हम देख सकते हैं कि आज जो है तो कल क्या था, कल क्या था, हजार साल पहले क्या था, करोड़ साल पहले क्या था, ये तो हम जरूर देख सकते हैं, बट ये हमेशा से था है और रहेगा, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसको जोड़ के जब अस्तित्व कह रहे हैं, है ना, इससे बाहर तो कुछ है नहीं, तो मनुष्य भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, है ना, आज जिस प्रकार है, आज से 1000 साल पहले किस प्रकार थे, 1,00,000 साल पहले किस प्रकार थे, 1,00,00,000 साल पहले किस प्रकार थे, इसकी सूचना तो मिल सकती है, बट ये इकाइयां किसी न किसी रूप में हमेशा से थी है और रहेंगी। तो अस्तित्व का मतलब यह है कि जो है, तो क्यों प्रश्न को दो तरह से देख सकते हैं, एक तो पीछे की घटना के आधार पर
या आगे की भागीदारी के आधार पर। जैसे मोबाइल के बारे में बताया कि किसी कंपनी ने बनाया इसलिए है मोबाइल, पीछे घटना को देखकर, आगे घटना देखे तो बातचीत करने के लिए है, ये क्यों का मतलब हो सकता है। जी भैया नमस्ते। नमस्ते सभी को मेरा। बस भैया यह पूछना था कि जैसे ये चैतन्य है, जीवन है और शरीर, ये दोनों है, ठीक है, चैतन्य बिना शरीर के भी रह सकता है, यह भी बात लगभग ठीक ही है, बट जब यह शरीर के साथ जब एसोसिएट हो रहा है, जब सह अस्तित्व को बना रहा है भैया, तो जब होश पूर्वक बना रहा है या बेहोशी में या मतलब जो भी नहीं भी पता था तब भी सह अस्तित्व तो बना ही रहा था, मतलब हमारा ध्यान नहीं था, तो यह बनाने का कारण क्या है भैया, क्यों हम शरीर को चलाना चाहते हैं, यह थोड़ा मुख्य रूप से स्पष्टता में चाह रहा था भैया। हम समाधान के लिए चला रहे हैं, अपने आप में एक ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए चला रहे हैं जिसमें मैं आराम में रहूं निरंतर। और अगर मान लीजिए वो स्थिति में हम पहुंच गए तो क्या फिर शरीर चलाना बंद कर देंगे, ये दूसरा प्रश्न भैया। फिर दूसरों को समाधानित ही हो गए, फिर हम अपने आप में निरंतर आराम में रहेंगे, दूसरे भी आराम में जिए, संबंध के भाव के साथ शरीर लेंगे। अगर दूसरों को आराम देने के लिए शरीर लेना अनिवार्य हो तो लेंगे, बिना शरीर लिए भी ये काम हो सकता है तो करेंगे, परंतु हमारी फिर परतंत्रता नहीं होगी। ये मेरी एक परतंत्रता है शरीर चलाने की, क्योंकि अभी मैं अपने आप में आराम में नहीं। एक बार मैं अपने आप में आराम में होता हूँ फिर वो मेरा च्वाइस हो जाता है। ठीक भैया, तो अगर एक बार हम आराम में आ गए तो फिर हमारा इसके लिए मतलब शरीर चलाने का वो नहीं रह जाएगा, अगर इससे ऊपर कुछ करना है तो भी तो ही शरीर चलाने का मतलब वो है निर्णय मतलब बनेगा। हाँ, बट आपको दिखता है कि आप तो अपनी स्थिति में आ गए, अनुभव संपन्न हो गए, बट समाज अभी अखंड नहीं हुआ। जी भैया, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, है ना, शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जी भैया, आपको लगता है कि क्यों ना कुछ भागीदारी की जाए इसको ठीक करने के लिए। जी, वो भागीदारी आप शरीर लेकर भी कर सकते हैं, बिना शरीर का भी, तो आप देखते हैं दोनों में कौन उपयोगी ज्यादा साधन है। अगर शरीर लेकर ये काम किया जाए तो ज्यादा उपयोगी रहेगा, कम समय में काम पूरा होगा, बिना शरीर का किया जाए तो कम समय में पूरा होगा, या आप दोनों में तुलना करते हैं और किसमें ज्यादा इफिशियंट होगा वो भी थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। तो आपका कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे अपने आप में, है ना, जैसे अभी मैनेजमेंट में करते हैं। तो शरीर चलाकर फिर उस तरह का निर्णय लेंगे उसके बाद। जी, फिर उस तरह का निर्णय लेंगे भैया। बिल्कुल ठीक है। और अगर मान लीजिए भैया ये पहुंचते पहुंचते स्थिति ऐसी बन गई कि ये पूरा अखंड हो गया और सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर क्या शरीर चलाने का रोक ही देना पड़ेगा या फिर? देखिए, आपको ये तो दिखता है ना कि ये अनुभव तक पहुंचना तो कोई दिन दो दिन का काम तो है नहीं। जी भैया, है ना, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं परंतु दिखता है अभी तो चिंतन में ही जागृत नहीं हुए, तो इसकी संभावना कम है कि धरती के सारे मनुष्य एक साथ अनुभव संपन्न हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक हो भी गए तो पीछे से जो मैं चले आ रहे हैं, जो अभी तक पशु शरीर चला रहे हैं, उनके विकास की संभावना रहेगी। जी, तो स्टेप फाइव में फिर हम देख रहे हैं कि जो भी मैं निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता। यदि मान्यता आधार में होती है तो मेरे सुख दुख की कोई निश्चितता नहीं होती, कभी सुखी कभी दुखी, निरंतरता सुख की नहीं बन पाती। परंतु यदि समझ आधार में होता है तो निश्चितता होती है सुख की, निरंतरता भी हो पाती है, उसकी संभावना बन पाती है। तो ये प्रेरणा बनती है अपने अंदर की, समझना है। फिर क्या समझें इसको स्टेप सिक्स में जब देखने जाते हैं तो अपने अंदर जांचते हैं कि संबंध का भाव स्वीकार है या व्यवस्था का भाव स्वीकार है या सस्तित्व का भाव स्वीकार है या इसे अन्यथा स्वीकार है। तो दिखता है कि संबंध का भाव स्वीकार है न कि विरोध का, व्यवस्था का भाव स्वीकार है न कि अव्यवस्था का, सस्तित्व का भाव स्वीकार है न कि संघर्ष का। तो अपने आप में एक निर्णय बन पाता है कि संबंध का चिंतन होना है, व्यवस्था का बोध होना है, सस्तित्व का अनुभव होना है। जी भैया, अगली स्लाइड लगा दीजिएगा बीएन भैया। तो फिर स्टेप सिक्स में जो हम लोग पहले ही बात कह रहे थे, तो ये हम निर्णय कर पाते कि संबंध का चिंतन होना है, व्यवस्था का बोध होना है, सस्तित्व का अनुभव होना है। फिर ये
स्टेप सेवन में सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर क्षण मेरे अंदर संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का भाव बना रहे। और जब मैं देख पाता हूँ कि मैं संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ, तब मैं उसी के अनुरूप अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ। मैं अपने आप में निरंतर आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड भैया, नेक्स्ट स्लाइड। तो इन सारी बातों को, स्टेप्स, जो सात स्टेप्स हैं, उसको एक नजर में देखें तो ऐसा है। अगर निष्कर्ष देखें अभ्यास एक का, तो मैं के द्वारा मैं को, यानी मैं में चल रही कल्पनाशीलता को, भाव विचार को देख पाते हैं। स्वयं में सहज भाव स्वभाव, मानवीय स्वभाव के अनुरूप भावों को देख पाते हैं। हम इन भावों की निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं। इन सहज भावों के साथ हम संगीत में, आराम में सुखी रहते हैं। मुझ में कौन सा भाव चले, इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। इस अर्थ में अपने सुख दुख के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार देख पाता हूँ, पूरी तरह से 100% जिम्मेदार देख पाता हूँ। तो दूसरे की शिकायत से मुक्त हो पाते हैं, अपने में परिमार्जन के लिए, सुधार के लिए तत्पर हो पाते हैं। स्टेप फाइव में फिर ये दिखता है कि जो निर्णय लेने का आधार है वो समझ है कि मान्यता है। तो जब समझ के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो सही सहज भाव का निर्णय कर आराम में रहते हैं। जब मान्यता के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो यह निश्चित नहीं है कि आराम में रहेंगे या परेशान रहेंगे। इसलिए अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस होती है। तो स्टेप सिक्स में फिर दिखता है कि संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज से स्वीकार होता है। इसलिए संबंध, व्यवस्था और अस्तित्व को समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है। फिर इस क्षण निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध, व्यवस्था और अस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर मैं सुखी होता हूँ। हर क्षण ऐसा सुनिश्चित कर मैं निरंतर सुखी रहता हूँ। तो अगर पूरी बात का निष्कर्ष देखें तो यह है कि संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व को संपूर्णता में समझने के आधार पर हमारा भाव सहज रूप से इसके अर्थ में होता है, हम निरंतर सुखी रहते हैं। तो निरंतर सुखी होना चाहते हैं परंतु इसके लिए सारा काम करना है। उसमें कहूंगा कि एक महीने में जितनी बात हो गई, इस पूरी बात को स्वयं में देखने में कई वर्ष भी लग सकते हैं। तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलना शुरू करें, अदरवाइज एक समय के बाद लगने लगता है कि देखो कई बार अभ्यास कर लिया, मैं तो वहीं का वहीं, संस्कारों में कोई परिमार्जन तो हुआ नहीं, अभ्यास यथावत बने हुए हैं, है ना, व्यवहार में कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ नहीं, भाव बिगड़ जा रहा है। तो ऐसे ही अपने आप में एक निराशा भी आएगी। इसलिए संबंध के चिंतन से शुरू करें, उसमें व्यवस्था में भागीदारी से देखना शुरू करें जहां भी रह रहे हैं, और विश्वास के भाव को स्वयं में देखना शुरू करें कि विश्वास का भाव मुझे बन पा रहा है कि नहीं। उसमें भी उन प्रश्नों को ले लें, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ये बात हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं, ये भी नहीं दिख रहा मैं सुखी होना चाहता हूँ कि नहीं, यही देख लें, है ना। तो जितने छोटे स्टेप्स में चलेंगे, एक एक करके स्टेप्स हम अकम्प्लिश करते चलेंगे, पूरा करते चलेंगे, तो हमें से कई साथी होंगे जिनको ये बात अपने आप में आराम से दिख पा रहा है कि हाँ मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, कर पाऊँ चाहे ना कर पाऊँ। तो ये हमारी एक तैयारी बनी दूसरे को देखने की, थोड़ा सा भी उसमें अगर हम विचार जोड़ते हैं तो दूसरा भी ऐसा ही होगा। तो जैसे मैं अपने साथ पूरा एक बैगेज लेके चलता हूँ दूसरे के साथ संबंध के निर्वाह का, पूरा इतिहास ढोता हूँ अपने अंदर, फिर मैं निर्णय लेता हूँ कि क्या करना है अगले के साथ, वैसे दूसरा भी एक इतिहास ढो रहा है मेरे बारे में, निर्णय ले रहा है कि नहीं, बट चाहना दोनों की प्योर है, चाहना दोनों की ठीक है। तो जहां से हम लोग बात शुरू किए थे, सुख स्वभाव है कि प्रभाव है, उसको ही विश्लेषण करते हुए, जांचते हुए, समझते हुए अभी हम स्टेप सेवन को पूरा कर पाए हैं, अभ्यास को पूरा कर पा रहे हैं। बट बात तो मूल रूप नहीं है कि सुख स्वभाव के रूप में दिखाई दे, उस अर्थ में ही संबंध का चिंतन हो, उस अर्थ में ही विश्वास का चिंतन हो, उस अर्थ में ही यह स्पष्ट हो कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, उसी अर्थ में ये मुझे स्पष्ट हो कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। वैसे ही जब शरीर के साथ संबंध को हम सेकेंड एक्सरसाइज में देखना शुरू करेंगे तो उसको भी तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में देखेंगे। तो जैसे अभी कृष्ण जी जो प्रश्न कर रहे थे, ये सब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम अपने अंदर ढोते रहते हैं, तो इनसे भी अपने को समाधानित होना जरूरी है कि नहीं, और इस पर समाधान हो या अनिवार्य भी है। तो कैसे हम शरीर से मिलने वाली संवेदना से हम प्रभावित होते हैं, ठीक, उसको अपने आप में हम ऑब्जर्व करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में, तो और इस पर क्लैरिटी बनेगी। जी बहुत ही बढ़िया,
बढ़िया भैया, तो आज हम लोग चर्चा यहाँ पे रोक लेते हैं, समय हो चला है। अभ्यास रूप में देखें तो यही है कि इन सातों स्टेप्स से गुजरना है अपने आप को और इसको पूरा करना है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।